गमों की धूप में मुस्कुरा के चलना पड़ता है, गमों की धूप में मुस्कुरा के चलना पड़ता है, ये दुनिया है दोस्तों, यहाँ चित्रा छुपा के चलना पड़ता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज का ब्लॉग सुबह सुबह ही से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे होंगे लगभग बज रहे होंगे 5:30, क्योंकि सोने में थोड़ा लेट हो गया था तो मैं सुबह थोड़ा लेट में उठी थी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर लेट में सो ना तो सुबह सुबह मतलब नींद नहीं खुलता है, तो थोड़ा लेट हो गया था, बज रहे थे 5:30। तो मैं जल्दी जल्दी से पूरा झाड़ू लगा लूँगी सब जगह, तो अपने कमरे में आंगन में सब जगह में लगा के चली आई थी, और सिर्फ आगे वाले कमरे में ही लगाना था। तो मतलब अब तो थोड़ा गर्मी होने लगा ना, तो लेकिन सुबह सुबह उठो ना तो थोड़ी ठंडी लगती है। तो देख सकते हो आप सब, दुपट्टा ही ऐसे ओढ़ लिए हैं क्योंकि ना बहुत ठंडी लग रही थी सुबह सुबह उठे थे तो। और फिर मैं झाड़ू लगा ली हूँ, अब पूरे कमरे में पोछा लगा लूँगी। यहाँ तो मतलब डेली ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ मैं करती हूँ पूजा, तो यहाँ तो मतलब डेली लगाती हूँ। और सब रूम में चाहे किसी दिन मतलब ऐसा हो जाए कि ना लगाएं, बट इस रूम में ज़रूर लगाती हूँ। तो मैं पोछा लगा लूँगी जल्दी जल्दी से। यादों की कीमत वो क्या जाने जो खुद यादों को मिटा दिया करते हैं। यादों का मतलब तो उनसे पूछो, यादों का मतलब तो उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिंदगी बिता दिया करते हैं, जिंदगी बिता दिया करते हैं। तो यहाँ मेरे कमरे में पोछा लग गया था, और फिर मैं लगाऊंगी आगे वाले कमरे में पोछा, क्योंकि ना सुबह सुबह कितना भी जल्दी करो, देख सकते हो आप सब उजाला हो गया है, बट कितना भी जल्दी करो लेट हो ही जाता है। तो मैं जल्दी से पोछा लगा लूँगी, आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मानस ना मुझसे पहले उठ के आके टीवी देखने लगा था, तो टीवी चला के रखा था इसलिए थोड़ा आवाज़ म्यूट कर दिए थे हम, और फिर बाद में वॉइस रिकॉर्ड किया, नहीं तो उस टाइम मैं म्यूट नहीं की थी वॉइस, क्योंकि मतलब बहुत मस्ती कर रहे थे मानस और मयंक, बट कार्टून की आवाज़ भी आ रही थी तो इसीलिए म्यूट कर दिए थे। तो फिर मैं नहा के पूजा करके, पूरा पूजा कंप्लीट हो गया था, तो मैं आ गई थी किचन में, तो मैं बनाने जा रही थी चाय। तो मैं जल्दी जल्दी से चाय भी बना लूँगी, क्योंकि भैया का पूजा पाठ हो गया था, वो वेट कर रहे थे चाय के लिए। तो मैं एक साइड बनाऊँगी चाय, एक साइड बनाऊँगी हलवा, गेहूँ का हलवा बनता है, तो मैं एक साइड बनाऊँगी हलवा जल्दी जल्दी से। तो आप लोग ऐसा ब्लॉग, और प्लीज़ आप लोग फॉलो आज करें, व्यूज़ नहीं आता है ना तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी चलो अगर मतलब सोचते हैं कि चलो बनाने लगे तो बनाते रहें, बट बनाने का मन नहीं करता है। गैया मैया शोर कर रही है बगल में, उनका भी आवाज़ आ रहा है तो सॉरी। और फिर उसके बाद तो गैया मैया को अलग कर दी है शायद, तो वही छोटा मुन्नू जो है वही बोल रहा है अपनी माँ के लिए। और फिर मैं जल्दी जल्दी से बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि लेट हो रहा था, तो मैं थोड़ा आलू फ्राई कर लूँगी, मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलू भी फ्राई हो गया था, गोभी हो गया था, सब्जी भी बन गया था, तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली थी, सब्जी बन के मेरा रेडी हो गया है। अब मैं गूँथूँगी आटा, क्यों आटा लगाने के बाद फिर मैं और पूरा काम फिनिश करूँगी, फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। सभी लोग उठ गए थे तो भी बिस्तर भी फोल्ड नहीं किए थे, तो मैं वो सब भी फोल्ड कर दूंगी आटा गूंथने के बाद, बट मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई थी, चुप रहो। और हाउसवाइफ लोगों का तो सिर्फ किचन से लेके मतलब पूरा दिन किचन में ही बीत जाता है, क्योंकि कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ, पूरा काम ख़त्म करते करते पूरा दिन कब कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और लोग बोलते क्या है कि करते तुम लोग क्या हो, हम लोगों का तो यही रहता है कि मतलब सब कोई नहीं समझता हम लोगों का काम। और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी रोटी अभी, तो मानस भी खड़ा था क्योंकि वो ना मतलब वो बहुत सारा डिश ऐसा बनाता है, मतलब जैसे आटा ले लेगा तो उसका चिड़िया बनाएगा, और गैया मैया बनाएगा उसी आटे का, और डोनेट बनाएगा, मतलब बहुत सारा ऐसा बनाता है। तो वही बना के फिर तेल में उसको तलो तब वो खाता है, क्योंकि पराठा और रोटी नहीं खाता है वो, वही खाता है। मैं ना आग जलाते थे सब लोग, तो मतलब वही आग से वही भून के भी खाता था, मतलब यहाँ नहीं बनाना पड़ता था मुझे, खुद ले लेता था, मतलब जैसे आग रहता था आटा से बना के और खा लेता था, तो मतलब नहीं बनाता था। बट अब मतलब आग नहीं रहता है तो वो अब मुझसे बनवाता है, मम्मा बना दो मम्मा बना दो, पकड़ के
और मैंगो पराठा बना के दे दें, वो चला जाए, फिर इसका मतलब जो भी कारीगरी करना है घर में करें, बट उसको थोड़ा आप लोगों को दिखाएं क्या बन रहा है, उसको चाहिए तो चाहिए, तो मैं पराठा ये क्या है बेटा, आप लोगों को दिखाएं और क्या है, और पराठा और क्या है, डोनट और सॉस, हाँ और डोनट क्या क्या है बताओ क्या क्या है। तो मैं बर्तन भी साफ करके आ गई थी, फिर मैं जल्दी सेट कर दूंगी बर्तन भी, और फिर मैं कोई क्लिप नहीं ली थी, ये शाम का 4 या 5 बजे का है, मैं बना रही थी चाय और पति परमेश्वर लेके आए थे रोल, तो वही सब लोग खाने जा रहे थे, तो आप सभी आके खा लीजिए। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएँ कि